हेलो फ्रेंड्स, PIB प्लस हिंदू एनालिसिस 2 अक्टूबर 2017 का देखेंगे। नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगा लिंक, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, सुनने पे ध्यान देना। GS1 में देख लेते हैं सबसे पहले। फ्रेंड्स, अब ये एक आर्टिकल था, ठीक है ना? तो इस आर्टिकल के थ्रू आपको मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि ऐसे आर्टिकल्स आपको मेंस में कैसे हेल्प करते हैं और इनकी प्री में भी क्या इंपॉर्टेंस रहती है, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान से सुनना, और अगर खुद से भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो क्या इनमें देखना है आपको, ठीक है? तो और जब भी ऐसे आर्टिकल्स पढ़ोगे, ये नहीं सोचना कि ये सिर्फ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो मेरे को प्री में क्या काम आएगा, या प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मेरे को मेंस में क्या काम आएगा। मैं आपको दोनों में कैसे ये काम आएगा वो बता रहा हूँ अभी। आने वाली जितने भी हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे, आपको उसमें खुद से फिर देखना होगा कि क्या मेंस में आप यूज़ कर सकते हो और क्या प्री में। बीच बीच में मैं भी आपको थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा। अब महात्मा गांधी रीडिंग लिस्ट को यहाँ पे डिस्कस किया गया। मेनली जो ऑथर है वो ये डिस्कस करना चाहते हैं कि गांधी जी, जो गांधी जी बने उन पे काफ़ी सारे रीडर्स का भी इम्पैक्ट था, ठीक है? गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे, उन्होंने काफ़ी सारे ऑथर्स को रीड किया जिन्होंने उनकी थिंकिंग को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया। तो जब आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो गांधी जी की लाइफ में एक जो मेजर जो इम्पैक्ट रहा है वो ली टॉल्स्टॉय का रहता है। तभी उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म भी एक बनाया था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो टॉल्स्टॉय फार्म उन्होंने साउथ अफ्रीका में बनाया था। तो ली टॉल्स्टॉय की जो उनकी किताब थी, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ठीक है? तो इस किताब को महात्मा गांधी ने पढ़ा, और इसी किताब से गांधी जी में नॉन वायलेंस का जो उनका जो आइडिया था, जो नॉन वायलेंस का जो कंसेप्ट था, वो गांधी जी में ली टॉल्स्टॉय की इस किताब से आया, ठीक है? इस किताब में ली टॉल्स्टॉय ने हर तरह की वायलेंस को रिजेक्ट किया, चाहे वो स्टेट ने ही क्यों ना सेंक्शन की हो, या उस टाइम पे चर्च होता था, या चर्च ने ही क्यों ना सेंक्शन की हो, हर तरह की वॉयलेंस को इसने रिजेक्ट किया, ठीक है? एंड हम सब जानते हैं कि गांधी जी बहुत ज़्यादा सिंपल लिविंग में बिलीव करते थे। वो वाला आइडिया भी गांधी जी को ली टॉल्स्टॉय जी की इसी किताब से आया। दूसरे जो एक ऑथर थे जिन्होंने काफ़ी इम्पैक्ट किया गांधी जी की माइंडसेट पे, वो थे अमेरिकन फिलोसोफर हेनरी डेविड थोरियो। इनके बारे में भी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपने सुना होगा। तो हेनरी साहब ने कुछ 1849 में एक सिविल डिसोबीडियंस निकाला था, थ्रू लाइफ विदाउट प्रिंसिपल, ठीक है? तो इसमें इन्होंने क्या हाईलाइट किया था कि अगर हम एक्सेसिवली अपनी लाइफ को डिवोट कर देते हैं बिजनेस और मनी को, ठीक है, तो वो जो लिविंग होती है उसमें, इन सब कामों में जो लिविंग का जो एक्चुअल मीनिंग होता है, जो जीने का असली मकसद होता है ज़िंदगी का, वो कहीं लॉस हो के रह जाता है। हम सिर्फ काम और पैसा बनाने में लगे रहते हैं और ज़िंदगी के असली जो अहमियत होती है वो सब कहीं खो जाती है। तो मेंस में जैसे आपका एक बार शायद क्वेश्चन आ चुका है, ये मुझे साल याद नहीं है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि इन ऑथर्स का या इन राइटर्स का क्या इम्पैक्ट रहा गांधी जी पे, और इन्होंने कैसे गांधी जी की लाइफ में फर्दर उनकी लाइफ को इम्पैक्ट किया, और उसका इंडियन जो नेशनल मूवमेंट था उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो आपका डायरेक्टली निकल के आ सकता है, नॉन वायलेंस का कंसेप्ट आपका आ गया, सिंपल लिविंग का कंसेप्ट आपका आ गया, ठीक है, और एक्सेसिव डिवोशन वगैरह जो मनी का था, जो सर्वोदय का जो कंसेप्ट था, वो सब कंसेप्ट यहाँ पे कवर हो जाते हैं, ठीक है? तो मेंस में भी आप यूज़ कर सकते हो। प्री में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ली टॉल्स्टॉय की आपसे किताब पूछ लेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंस रही है इनकी गांधी जी की लाइफ में, ठीक है? तभी टॉल्स्टॉय फार्म बनाया था साउथ अफ्रीका में, ठीक है, और थोरियो की किताब पूछ लेंगे, मैच द फॉलोइंग करने को कह देंगे। तो ये सब जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद GS2 में देख लेते हैं। तो कैटालोनिया का हमें पता है कि अभी इशू चल रहा है, कैटालोनिया आपका स्पेन में है, ठीक है? तो कैटालोनिया में अभी रिफरेंडम किया था कैटालोनियन गवर्नमेंट ने कि हमें सेपरेट नेशन बनना चाहिए स्पेन से या नहीं। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन थी उन्होंने वोट किया है फेवर में कि कैटालोनिया को भैया एक अलग देश बना दो। तो हम थोड़ा सा कैटालोनिया के बारे में पहले जान लेते हैं, ठीक है? कैटालोनिया आपका ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो स्पेन में, ये आपका कैटालोनिया है, ठीक है? कोस्टल सिटी है ये स्पेन की, ठीक है? तो जो कोस्ट है ये बेलेरिक सी को टच करती है, ठीक है? और ये बेलेरिक सी जो है आपका ये पार्ट है ऑफ द लार्जर मेडिटेरेनियन सी, ठीक है ना? उसके बाद अब ये अलग होने को क्यों कह रहे हैं, ऐसा रिफरेंडम क्यों? सबसे पहले तो इनकी लैंग्वेज जो है वो बाकी की स्पेन से अलग है, ठीक है? रिकॉर्डेड हिस्ट्री है 1000 ईयर्स की कैटालोनिया की अलग से, और जो आपका कैटालोनिया है ये मोस्ट प्रॉस्परस और इंडिपेंडेंटली माइंडेड रीजन है स्पेन का, ठीक है? अब थोड़ा सा कैटालोनिया की इकोनॉमी और वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो 16% जो स्पेन की टोटल पॉपुलेशन है वो कैटालोनिया में रहती है, ठीक है? जितना स्पेन का एक्सपोर्ट होता है
उसका 25.6% एक्सपोर्ट कैटलोनिया से होता है। स्पेन की जीडीपी का 90% जो आता है वो कैटलोनिया से आता है। स्पेन जितनी एफडीआई इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती है उसकी 20.7% इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है, कैटलोनिया में होती है। तो देख रहे हो आप काफ़ी इकोनॉमिकली काफ़ी जो है ग्रोइंग जो मेजर हब है इकोनॉमी का स्पेन की वो कैटलोनिया है, ठीक है। तो वहाँ के लोग क्यों नहीं कहेंगे कि भाई हमें अपना बना दो, अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती होगी थोड़ा बहुत, तो फिर उनका सारा रहेगा और छोटा रीजन रहेगा, ठीक है। तो एक ये रीज़न है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें, अनएम्प्लॉयमेंट बाकी की कंट्री से कैटलोनिया में कम है, ठीक है। और मेजरली जो यहाँ पर इंडस्ट्री हैं वो आपकी एग्री फूड केमिस्ट्री ऑटो सेक्टर जो है, ये मेजर इंडस्ट्रीज हैं इस एरिया की, ठीक है ना। और बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर रीजन है जॉब्स के लिए, टर्नओवर के लिए। मीट बिजनेस यहाँ पे काफ़ी पावरफुल है, एक्सपोर्ट अच्छा खासा होता है पोर्क मीट का यहाँ पर। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक रीजन है कैटलोनिया का। तो अब ये जो प्रोटेस्ट चला आ रहा है ये एकदम से कल उठ के तो नहीं कह दिया कि भाई हम रेफरेंडम कराएंगे, हर चीज़ का एक पूरा प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस कैसे शुरू हुआ, 2006 में जो स्पेन की पार्लियामेंट है उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने ऑटोनॉमी दे दी एक कैटलोनिया को, कि जिस ऑटोनॉमी ने उनका उनकी जो फिस्कल पावर्स थी कैटलोनिया रीजन की वो बढ़ा दी, जुडिशियल पावर्स बढ़ा दी। और इस जो करेक्टर जो पार्लियामेंट ने अप्रूव किया उसमें इन्होंने कैटलोनिया को एज अ नेशन डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा पंगा यहाँ से शुरू हो गया, इन्होंने कैटलोनिया को एज अ नेशन जो है वो डिस्क्राइब कर दिया। अब 2010 में फिर वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जैसे हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उन्होंने कहा कि भैया आप ये ऐसे किसी रीजन को आप नेशन कैसे बोल सकते हो, ठीक है। वो हमारी स्पेन का हमारे कंट्री का पार्ट है, आप उसको अलग से एक रीजन कैसे बोल सकते हो। तो ये जो है ये तो बिल्कुल गलत हो गया, इसकी तो कोई लीगल वैल्यू है ही नहीं। और जो प्रेफरेंशियल यूज़ दिया गया था कैटालिन लैंग्वेज को, हमने देखा ना पीछे की जो कैटालिनिया की लैंग्वेज है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ दिस स्टेट्स। तो पार्लियामेंट ने क्या कहा था कि भैया ठीक है तुम अपनी जो लैंग्वेज है उसको अपनी म्यूनिसिपल सर्विसेज में यूज़ करो। तो यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि नहीं, जो ये प्रेफरेंशियल यूज़ दे रहे हो तुम इस लैंग्वेज को, ये भी जो है गलत है, ठीक है। फिर 2012 में कुछ मिलियन लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, और ये 2012 से लेके अब तक एक ये एनुअल ट्रेडिशन बन गया कि मतलब प्रोटेस्ट कभी ना कभी स्पेन में कैटलोनिया रीजन में होना ही होना है। फिर 2014 में एक सिंबॉलिक वोट हुआ इंडिपेंडेंस पे, ठीक है, जिसमें मोर देन 80% लोगों ने फेवर किया इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है ना। उसके बाद 2016 में जो लॉन्ग टाइम वहाँ के सेपरेटिस्ट थे जो कंटिन्यूसली कह रहे थे कि हाँ भाई हमें अलग देश बनाओ, हमें अलग देश बनाओ, ये साहब ये प्रेसिडेंट बन गए कैटलोनिया के, इनका नाम था प्रेसिडेंट कार्ल्स प्यूगडेमंट, ठीक है। तो ये वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। अब सितंबर, ठीक है, फिर अब इन्होंने जो 2017 में क्या कह दिया प्रेसिडेंट साहब ने कि भैया हम एक रेफरेंडम अब तो करा रहे हैं, इन्होंने रेफरेंडम को अनाउंस कर दिया सितंबर में। फिर 2017 के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया ये रेफरेंडम नहीं होगा, सब इलीगल है, खारिज है, सब खर्च करो। लेकिन ये लोग तो माने नहीं, इन्होंने तो डेट रखी थी कि 1 अक्टूबर को रेफरेंडम करा के रहेंगे, तो इन्होंने 1 अक्टूबर को रेफरेंडम करा दिया। तो रेफरेंडम के टाइम पे क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट एट्रॉसिटीज़ हो गई, ठीक है, लोगों को मारा पीटा गया उस टाइम पे, तब भी लोगों ने वोट फेवर में किया कैटलोनियन इंडिपेंडेंस के ही। तो जो वहाँ की अब गवर्नमेंट है उन्होंने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि नहीं हम इस रेफरेंडम वगैरह को नहीं मानते। तो अब आगे देखेंगे इसमें क्या जो होगा वो अपने सामने आ जाएगा। तो थोड़ा सा स्पेन के बारे में भी जान लेते हैं। हमने कैटलोनिया तो देख लिया कि यहाँ पे कैटलोनिया का रीजन था, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पेन की ज्योग्राफी को भी देख लेते हैं। तो स्पेन आप देखें सबसे पहले तो कौन सी कंट्री को बॉर्डर करता है, यहाँ पे इसके अगर वेस्ट में देखें तो पोर्टुगल है, ठीक है, और नॉर्थ में यहाँ पर देखें तो इसके फ्रांस है, और यहाँ पर सारा सी है, तो सिर्फ दो ही कंट्रीज़ को बॉर्डर करता है, ठीक है ना। ये आपका मेडिटेरेनियन सी है पूरा, ये जो पूरा रीजन है मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है। यहाँ पर आपका स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है, ठीक है। और स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो है आपका अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सी रूट है। अब ये गिब्राल्टर आपको देखेंगे मैप में तो ऐसा लगेगा कि भैया ये तो स्पेन का पार्ट है, स्पेन की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गिब्राल्टर जो है आपका यूके का पार्ट है, क्योंकि ये गिब्राल्टर एक छोटा सा आइलैंड है यहाँ पे, जिसके ऊपर ज्यूरिसडिक्शन जो है वो यूनाइटेड किंगडम्स की है, ब्रिटिश की है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर राइट्स आते हैं जो गिब्राल्टर के ऊपर है वो ब्रिटेन के आते हैं। इसी गिब्राल्टर ने ब्रेग्जिट के टाइम पे जो है अगेंस्ट वोट किया था कि नहीं हमें ईयू से एग्जिट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो
तो ये गिब्राल्टर जो है आपका स्पेन की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, ये यूके की ज्यूरिसडिक्शन में आता है। नेक्स्ट, उसके बाद कुछ मुंबई स्टैम्पेड को लेके आर्टिकल्स थे, दो तीन आर्टिकल्स थे, क्या कुछ था उनमें हम वो सब डिस्कस कर लेते हैं। वो तीनों चारों आर्टिकल्स को मैंने मिक्स कर कर यहाँ पर एक आपके लिए बनाकर डाल दिया है। जो 1 अक्टूबर के करंट अफेयर्स थे, हमने उसमें देखा था कि गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शंस अनाउंस किए हैं ये स्टैम्पेड के बाद से, जिसमें हमने देखा था कि फुट ओवर ब्रिजेस को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल दिया जाएगा, डेलीगेशन ऑफ पावर कर दिया था, ठीक है, फाइनेंशियल पावर्स का डेलीगेशन कर दिया था। तो वो सब 1 अक्टूबर की वीडियो में है, वो देख लेना। अब राइटर लोगों ने क्या बोला अपने को, वो देख लेना। सबसे पहले तो डिस्कस किया गया कि प्रॉब्लम का कॉज क्या है। अगर आप आज से कुछ 20, 30, 40 साल पहले पीछे चलो तो आपको पता चलता है कि मुंबई में काफ़ी सारी टेक्सटाइल मिल्स होती थी, ठीक है। अब इन टेक्सटाइल मिल्स में वर्कर्स काम करते थे, लेकिन ऐसा क्या क्या होता था, ये वर्कर्स जिन मिलों में काम करते थे उन मिलों के आसपास ही चॉल्स होती थी या कॉलोनीज होती थी, ये वहीं पर रह लेते थे। तो कोई ट्रांसपोर्टेशन की ज़्यादा अपने को प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। आधा टाइम क्या होता था, मिल्स के आ गई छोटी मोटी चॉल्स बनी हुई है, वहीं से बाय फुट आने जाने का रास्ता है और कुछ ज़्यादा अपने को दिक्कत होती नहीं। जैसे जैसे टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का डिक्लाइन हुआ मुंबई जैसी सिटीज़ में और सर्विसेज सेक्टर बढ़ा, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ी, वैसे वैसे क्या हुआ, अब सिटी तो बहुत बड़ी है, एक हब बना जहाँ पर सर्विसेज़ का सिटी के किसी पार्ट में, और बाकी की पूरी सिटी से पॉपुलेशन उस हब की तरफ जाने लगी काम करने के लिए। तो क्या हुआ, तो ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। डिफरेंट एरियाज से लोग आएंगे नौकरी करने एक हब में, एक आईटी पार्क में, एक अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, वहाँ लोग काम करने आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के कॉर्नर से आएंगे, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो जो ये सर्विस और कॉमर्शियल एक्टिविटी का ग्रोथ हुआ, उस हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए था, जो ट्रांसपोर्ट चेंज होना चाहिए था, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, अथॉरिटीज़ ने उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसमें एग्जांपल था अब कि आपका बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो है, इसको एक आपने डेवलप कर दिया रीजन को एज अ प्लान्ड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो अब इसमें पूरी मुंबई में से अलग ये आपका जो है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, तो बाकी की मुंबई में से सारी जगहों से लोग अब यहाँ पे आएंगे नौकरी करने, ठीक है, सारी जगह से यहाँ पे नौकरी करने जो लोग आएंगे। तो अब इन लोगों को आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स क्या है मुंबई जैसी सिटीज़ में, रेलवे, ठीक है, जो वहाँ की लोकल ट्रेन चलती हैं। तो इससे क्या हुआ, ये रेलवे पे बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर बढ़ गया कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का। तो ये वन ऑफ द मेजर रीज़न है कि ट्रांसपोर्ट अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, और जो फुटहॉल कैपेसिटी थी, फुटहॉल कैपेसिटी है इन रेलवे स्टेशन की, वो कम है, जिसकी वजह से ये जो इंक्रीज रश है उसको हैंडल नहीं कर पाते। दूसरी जो इसमें मेजर प्रॉब्लम डिस्कस की गई कि जो लोकल बॉडीज़ हैं, अब आपके 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ये बता दिया गया कि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज़ बनाई जाएंगी फॉर मेट्रोपॉलिटन रीजन्स, ठीक है। अभी आपने कमिटीज़ तो बना दी, लेकिन इनको इनके पास ना तो ऑटोनॉमी है, स्टेट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, फाइनेंस नहीं है, फंक्शनरी नहीं है, लोग नहीं है, मैन पावर नहीं है, तो ये काम कैसे करेंगे, लोकल लेवल पे काम कैसे करेंगे। अब ज़रा सा अगर कुछ रिपेयर का काम करना है तो ऐसा तो नहीं है कि सीधा रेल मंत्रालय जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के पास भी टाइम नहीं होता या ध्यान नहीं देते। तो लोकल बॉडीज़ को पता होता है कि हाँ ये भैया यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इसको सॉल्व करना है, तो उनके पास अगर फाइनेंसिस रहेंगे, एग्जीक्यूटिव पावर रहेंगी, लोग रहेंगे, मैन पावर रहेगी, तो वो उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे और ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है। अब इसके लिए कुछ सोल्यूशंस भी इन्होंने बताए कि क्या सोल्यूशंस किए जा सकते हैं। एडिशनल कैनोपीज, अब जो ये इंसिडेंट हुआ है बॉम्बे वाला अभी रिसेंटली, इसमें वन ऑफ द रीज़न क्या था कि बारिश हो रही थी, लोगों के पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं थी, तो एक जो छोटा सा ब्रिज था उसके अंदर सब लोग घुसे जा रहे थे, एंड अल्टीमेटली इट रिजल्टेड इनटू अ स्टैम्पेड। तो ऐसे सिनेरियोज में क्या होना चाहिए, रेलवे स्टेशन में एडिशनल कैनोपीज होनी चाहिए, जिस केस जहाँ पर लोग अगर बारिश जैसा कुछ होता है तो वहाँ पर जाकर खड़े हो सकें और एक ही जगह पर सब लोग फंसने की कोशिश ना करें, जिससे ये स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन जो हो वो डेवलप हो। दूसरी चीज़ कि एग्जिट जो है आप दोनों साइड पे ट्रेन की दे दीजिए। अगर आप लोगों ने कभी ट्रेन से ट्रैवल किया है तो जब भी आप ट्रेन से उतरते हो तो एग्जिट सिर्फ एक ही साइड पे होता है, ठीक है, दूसरी साइड पे ट्रैक होता है, तो आप एक ही साइड से उतर सकते हो। तो क्या होता है, ट्रेन अब कोई कोई ट्रेन सिर्फ 2 या 4 मिनट के लिए रुकती है, तो उस केस में क्या होता है, लोग सब अबड़ा धबड़ी में उतरने वाले चढ़ने वाले सब एक ही जगह से चढ़ रहे हैं, सब एक ही जगह से उतर रहे हैं, और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर दोनों डोर्स से एग्जिट और एंट्री हो पाएगी तो ये स्टैम्पेड जो चांसेस होंगे वो कम हो जाएंगे। तो इसको जहाँ पर भी ये डेवलप हो सकता है, जहाँ पर भी ये फिजिबल है, उसको डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए।
ट्रांसपोर्ट डिमांड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है, जिसमें आप जो ट्रैवल पैटर्न्स है उसको कंसीडर कीजिए। ट्रैवल पैटर्न्स में क्या होता है कि आपका जो डेली का जो पॉपुलेशन मूवमेंट हो रही है वो आप ऑब्जर्व कीजिए कि हाँ इतने लोग डेली इस रूट पे इतने बजे यहाँ से यहाँ तक जाते हैं। तो अगर आप वैसे ही सब मैपिंग रखेंगे तो आपको पता होगा कि हाँ भैया रेलवे स्टेशन पे, इस रेलवे स्टेशन पे इतना रश होता है, इस वाली ट्रेन के टाइमिंग पे इतना रश होता है। तो उस हिसाब से आप अपनी बेटर जो है प्लानिंग कर सकते हैं। क्लियरिंग पाथवेज इनसाइड एंड एडजॉइनिंग रेलवे स्टेशंस ऑफ ऑब्स्टिकल्स, जो भी ये रेलवे स्टेशन के आगे पीछे ऑब्स्टिकल्स वगैरह होते हैं, जो रश लग जाता है, जैम्स लग जाते हैं, उसको क्लियर करने की जरूरत है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स क्लियर करने की जरूरत है, जिससे स्टैम्पेड लाइक सिचुएशंस जो है वो ना बने। प्लेसिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड फीडर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क टू स्टेशन एंड बस टर्मिनल, तो ठीक है बसेज और बस टर्मिनल और रेलवे स्टेशन के बीच में आपको एक पूरा फीडर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो डेवलप करने की जरूरत है। तो ये सब इसमें सोल्यूशंस थे। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अयोध्या बी मेल्टिंग पॉइंट महंत। तो अब इशू क्या हो रहा है इसमें, जो आपको सबको पता है बाबरी मस्जिद जो इशू चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली ये बोला था कि जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो डिस्प्यूट है उसमें जो सारी पार्टीज़ हैं, चाहे वो हिंदू पार्टीज़ हैं या मुस्लिम पार्टीज़ हैं, उनको आपस में बैठ कर और कुछ एक ऐसा सोल्यूशन निकालना चाहिए जो दोनों को एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, तो इसी पे एक प्रपोजल जो निकाल के लेके आए हैं वो है इंटरफेथ विश्वधर्मी श्री राम मानवता भवन इन अयोध्या। ठीक है, अब इस भवन में सब कुछ है क्या, क्या कंसेप्ट है वो हम देख लेते हैं। तो इस प्रपोज किया जा रहा है कि 67 एकड़ जो लैंड है, जो राम जन्मभूमि वाला एरिया है उसके साथ वाला जो 67 एकड़ का लैंड है, वहाँ पर ये इंटरफेथ विश्वधर्म भवन बनाया जाएगा। ठीक है, तो अब इस ये एक प्रपोजल है, इसको डिस्कस किया जाएगा, कॉन्फ्रेंस वगैरह रखी जाएगी, फिर लोगों के लिए भी ये ओपन किया जाएगा ताकि वो अपने व्यूज़ दे पाए। ठीक है, लेकिन इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड को इंक्लूड नहीं किया गया। उसका रीज़न ये दिया गया है कि सुन्नी वालों की इस पर कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, क्योंकि जो बाबर का जो स्लेव था मीर बाकी, जिन्होंने ये आपका मस्जिद बनाया था, वो शिया था, और शियाज जो थे उन्होंने अपना सुप्रीम कोर्ट को पहले ही कह दिया था कि ठीक है भैया हम तैयार हैं, अगर आप उस एरिया में एक मस्जिद और एक मंदिर दोनों साथ साथ बना दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसमें जो ये 67 एकड़ लैंड है इसमें करेंगे क्या, ये कहा जा रहा है कि 67 एकड़ जो लैंड है इसमें आठों के आठ रिलीजन जो हैं आपके, हिंदुइज़्म, इस्लाम, क्रिश्चन, सिखिज़्म, बुद्धिज़्म, ज़ोरास्ट्रियज़्म, जोडाइज़्म, जैनिज़्म, जो भी इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं, इन आठों धर्मों को 67 एकड़ में से हर धर्म को 5-5 एकड़ जगह दे दी जाएगी और हर धर्म का अपना अपना टेम्पल बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस जगह को एज अ इंटरफेथ विश्वधर्मी, अगर आप वर्ड्स के मीनिंग से ही समझें तो वो बनाने की बात की जा रही है, ताकि सारी जो लड़ाई है कि मंदिर था, टेम्पल था, गुरुद्वारा था, मस्जिद था, क्या था, वो सब किस्सा ही खत्म हो जाए। ठीक है ना, तो अभी इस पर सब चल रही है और काफ़ी इसके ब्राइट चांसेस हैं इस चीज़ के हो जाने के एक्सेप्ट। नेक्स्ट GS3 में देख लेते हैं, वर्धा ड्राई पोर्ट टू बी मेड। ठीक है, तो वर्धा ड्राई पोर्ट का कुछ अभी इनॉग्रेशन किया था, मतलब उसकी जो वो नींव रखना जिसे बोलते हैं वो सब था। तो सबसे पहले देख लेते हैं ड्राई पोर्ट होता क्या है। अ ड्राई पोर्ट समटाइम्स इनलैंड पोर्ट, ठीक है, तो ये डायरेक्टली सी से जुड़ा हुआ पोर्ट नहीं होता है। इट इज़ एन इनलैंड इंटरमोडल टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड बाय रोड और रेल टू अ सी पोर्ट। ठीक है, ये एक अंदर को सिटी में जाके पोर्ट होता है, उसमें क्या रहता है, जो आपका एक तो सी पोर्ट होता है वो तो समंदर के किनारे पे होता है, ये जो पोर्ट रहता है ये समंदर के किनारे पे नहीं होता है, लेकिन ये पोर्ट समंदर वाले पोर्ट से कनेक्टेड होता है वाया रोड और रेल नेटवर्क। ठीक है ना, कोस्टल पोर्ट नहीं होता ये, एंड ऑपरेटिंग एज अ सेंटर फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ सी कार्गो टू इनलैंड डेस्टिनेशन। अब आपका सामान आया सी पोर्ट के ऊपर, आपको उसको अंदर पहुंचाना है, ठीक है, तो पहले आप वहाँ से ड्राई पोर्ट पे भेज दोगे, जहाँ पर इसका सब आप कस्टम वगैरह का सब वो डील कर सकते हो। इन एडिशन टू देयर रोल इन कार्गो ट्रांसशिपमेंट, ड्राई पोर्ट्स में ऑल्सो इंक्लूड फैसिलिटीज फॉर स्टोरेज। ठीक है, आपका सारा डिलीवर हो गया सी पोर्ट पे, लेकिन आपने स्टोरेज वगैरह करना है तो उसके लिए आप ड्राई पोर्ट का यूज़ कर सकते हो। कंसोलिडेशन ऑफ गुड्स मेंटेनेंस फॉर रोड और रेल कार्गो कैरियर्स एंड कस्टम क्लियरिंग सर्विसेज, जैसे मैंने आपको बताया। अब ये वर्धा ड्राई पोर्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसको डेवलप कर रहे हैं आपके जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, वो लोग ही डेवलप कर रहे हैं इसको। टू कैटर इफेक्टिव लॉजिस्टिक सर्विसेज टू इंडस्ट्रीज इन वर्धा रीजन। अब वर्धा रीजन जो है आपका काफ़ी अंडर डेवलप्ड रीजन है, ठीक है, ड्रॉट कंडीशंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती हैं, फार्मर्स भी सबसे ज़्यादा वर्धा रीजन में ही सुसाइड करते हैं, तो ये इस रीजन की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बड़ा जो है वो रोल प्ले करेगा। ड्राई पोर्ट वुड बेनिफिट राइस एक्सपोर्टर्स, टेक्सटाइल, गारमेंट इंडस्ट्री, स्टील एंड मिनरल, तो ये सब इन लोगों को बेनिफिट जो है वो होगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं, कोल इज स्टिल सीक्रेट ऑफ आर एनर्जी। तो ये आर्टिकल था हिंदू में बिजनेस रिव्यू पेज पे, तो इसको देख लेते हैं क्या इसमें बोला जा रहा है। सबसे पहले तो डिस्कस किया गया कि अभी भी जो कोल है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में। तो सबसे पहली बात तो ये की थी कि भैया अवेलेबिलिटी, कि कोल की जो अवेलेबिलिटी है वो इंडिया में अबंडेंट है। तो इस अबंडेंस की वजह से कोल को अगर हम यूज़ करते हैं पावर प्रोवाइड करने में, तो वो अफोर्डेबल रेट्स पे हम कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए बताया गया कि इंडिया के पास कुछ एस्टिमेशन है अभी कि 300 बिलियन टन हमारे पास कोयला है। अगर इस 300 बिलियन टन में से हम 50% भी ये लगा के चलें कि एक्सट्रैक्टेबल है, मतलब 150 बिलियन टन भी एक्सट्रैक्टेबल है, तो अपने पास 1 बिलियन टन जो है एनुअल कंजम्पशन के लिए निकल के आता है। अभी हमारी जो कंजम्पशन है इंडिया में एनुअल कोल की, वो 800 मिलियन टन है। तो अगर हम उसको 1 बिलियन टन भी कर दें तो एनुअल कंजम्पशन के लिए 1 बिलियन टन सफिशियंट है हमारे लिए। तो हमारे पास अभी भी 150 साल का कोयला बाकी है। तो आप देख रहे हो कि काफ़ी हमारे पास कोयला है, तो अफोर्डेबल पावर हम इजीली जनरेट कर सकते हैं। और जो अभी हमारे एग्जिस्टिंग थर्मल प्लांट्स बने हुए हैं उनके लिए कोल बेस्ड जनरेशन जो है वो चीपेस्ट वे है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अब उन्हें कोई नए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है, उन्हें नए प्लांट्स नहीं सेट करने हैं, उनको जो कॉस्ट इंकर करनी है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट करनी है। वेरिएबल कॉस्ट आपकी होती है जो आपको कोयला खरीदने के लिए कॉस्ट जो लगेगी आपकी, ठीक है, वो वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, या जो एम्प्लॉयमेंट में आपकी जो कॉस्ट लगेगी वो वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। कोई नया प्लांट नहीं लगाना है, कोई नया सेटअप नहीं लगाना है। तो इसी वजह से जो है एनर्जी की जो कॉस्ट रहेगी वो भी कम रहेगी, ठीक है। तीसरी चीज़ कि अगर अब हमने टारगेट कर दिया कि हम रेन्यूएबल एनर्जी को लेके आएंगे, सोलर विंड एनर्जी सबको लेके आएंगे, तो अगर हम ये रेन्यूएबल एनर्जी जिसमें हम सोलर और विंड की बात कर रहे हैं उसको 40% तक भी ले जाते हैं इंडिया के एनर्जी मिक्स में, तब भी हमें कोयले की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी बाकी की एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अब तीसरी चीज़, सरकार ने ये कह दिया कि हमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन चाहिए 2018 तक। अब 2018 तक आपकी सोलर और विंड एनर्जी तो डेवलप हो नहीं सकती, तो इसमें भी अब थर्मल एनर्जी प्लांट्स का काफ़ी बड़ा जो है वो रोल प्ले हो जाता है। दूसरी चीज़, एब्सेंस है कॉस्ट इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी। कि आपने रेन्यूएबल एनर्जी तो प्रोड्यूस कर दी, लेकिन उसको प्रोड्यूस करने के बाद उसको स्टोर करना पड़ता है, स्टोर करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, इवैक्यूएट करना पड़ता है टू दी फीडर्स, ठीक है। अगर आप उसको फीडर तक नहीं पहुंचा रहे हो तो उसका कोई फायदा ही नहीं है उस एनर्जी के प्रोड्यूस होने का। तो वो भी एक जो चीज़ है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसी वजह से भी कोल पावर जो है अभी इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। एडिशनल डिमांड फॉर कोल टू फायर अप पावर प्लांट्स वुड कॉन्ट्रीब्यूट अ सब्सटेंशियल अमाउंट एनुअली टू द क्लीन एनवायरमेंट फंड एट रेट ऑफ ₹400 per ton। अब हमें पता है कि सरकार की पॉलिसी है कि पर टन कोयला अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसको क्लीन एनवायरमेंट फंड में पर टन के हिसाब से ₹400 डालना पड़ेगा। तो अगर अभी ₹400 उस फंड में डल रहा है और कोयले की हमने देखा कि डिमांड बढ़ेगी आगे चल के, तो एडिशनल जो रिसोर्सेज आएंगे सरकार के पास वो उन रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएगी टू फर्दर क्रिएट फर्दर डेवलप द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब हमारे एनवायरमेंटल कमिटमेंट्स का क्या? हम COP21 में पेरिस क्लाइमेट डील सब में बोल आए कि भाई हम तो अपना जो कोल कंजम्पशन है वो कम करेंगे, रेन्यूएबल एनर्जी हम बढ़ाएंगे, 40% कर देंगे हम रेन्यूएबल एनर्जी 2030 तक। तो इसका सबका क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ऑथर का ये कहना है कि भैया देखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 20 साल तक भी हम ज़्यादा कोयला यूज़ करते हैं तब भी हम डिसएडवांटेज पे नहीं होंगे और हम अपनी ऑब्लिगेशंस के अगेंस्ट नहीं जा रहे होंगे किसी भी तरह से। उसके लिए लेकिन ज़रूरी क्या है कि हम 40% जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स की बात कर रहे हैं 2030 तक डेवलप करने की, और जो 175 गीगावाट जो हम एनर्जी रिन्यूएबल प्रोग्राम से प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, इन्होंने ये बोली कि COP21 की ऑब्लिगेशन पूरी करते करते अगर हम COP21 की ऑब्लिगेशन को पूरे करने के हिसाब से चलें तो हम 1500 मिलियन टन जो कोल है वो साल में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ 800 मिलियन टन यूज़ कर रहे हैं। तो अभी अपने पास 700 मिलियन टन का गैप है, तो उससे भी अपनी जो ऑब्लिगेशन है COP21 की वो नहीं ख़राब होती। अब अदर यूजेज क्या है कोल के? ऑथर का ये कहना है कि कोयले को इंडिया में ज़्यादातर एज अ रॉ मटेरियल फॉर पावर ही लिया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पावर की हमारी कंट्री में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसीलिए इसे ऐसा समझा जाता है कि बस ये तो भैया पावर प्रोड्यूस करने के लिए ही होता है। इसी वजह से सीरियस थॉट्स नहीं दिए गए कोयले के अदर यूजेस को, कोल के अदर यूजेस को, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे पावर सेक्टर ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना शुरू करेगा, सोलर पावर विंड पावर का यूज़ शुरू करना करेगा, तो हमें पता चलेगा कि कोयला जो है हम उसको और भी यूजेज में लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोल कैन बी डिप्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया
एंड फॉर द कन्वर्जन ऑफ एमोनिया टू फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर बनाने के काम आएगा। अब गवर्नमेंट बात कर रही है कि भैया हमें सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आना है, तो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आना है तो उसके लिए फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंट होंगे। अब फर्टिलाइजर आप इम्पोर्ट करोगे अगर तो वो अपने को महंगा पड़ जाएगा, किसानों को महंगा पड़ जाएगा। फायदेमंद कब रहेगा? जब वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो। डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने में कौन हेल्प करेगा? कोयला हेल्प करेगा, ठीक है। तो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की अचीवमेंट के लिए भी एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जीएसटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो बिजली पे जीएसटी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके पहले नेगेटिव्स देख लेते हैं। अब जीएसटी में इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको जीएसटी के एम्बिट से बाहर रख दिया गया, जीएसटी नहीं लगेगा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। लेकिन अब इसमें एक कैच आ गई कि भैया जो आप इलेक्ट्रिसिटी पे तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जो पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं अगर वो कुछ भी सर्विसेज ले रही हैं किसी से या कुछ प्रोडक्ट ले रही हैं किसी से, फॉर एग्जांपल प्लांट की में पावर जो जनरेटिंग कंपनीज होती हैं उनको फीडर लगाना है, बहुत कुछ लगता है, तो वो जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उन पर टैक्स लगेगा, ठीक है, उन पर टैक्स लगेगा। और इलेक्ट्रिसिटी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो जीएसटी के अंडर नहीं है, तो जिन चीज़ों पे टैक्स लग रहा है, जिन चीज़ों पे पावर जनरेटिंग कंपनीज को टैक्स देना पड़ रहा है, वो उन चीज़ों पे क्लेम भी नहीं कर सकते इनपुट टैक्स क्रेडिट को, ठीक है। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेते तो चलो इतना अपना लफड़ा नहीं होता, फिर वो कंज्यूमर को पास कर देते और सब सही रहता, लेकिन अब ये नहीं हो रहा, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी है जो महंगी हो जाएगी। दूसरी चीज़ रिन्यूएबल सेक्टर, हम कह रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करेंगे हम, 175 गीगावाट डेवलप कर देंगे हम, 2030 तक 40% ऑफ एनर्जी मिक्स में इसको ले आएंगे रिन्यूएबल सेक्टर को। लेकिन हुआ क्या, इसी वजह से क्योंकि जो कैपिटल गुड्स हैं और सर्विसेज हैं जो लगती हैं एनर्जी प्लांट डेवलपमेंट्स में, उन पे जीएसटी लगेगा, जिसकी वजह से ये जो बिजली हम पैदा करने की बात कर रहे हैं रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू, वो 5 से 10% जो है वो महंगी हो जाएगी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने भी कहा कि कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप अ सोलर पावर ग्रिड प्रोजेक्ट विल राइज बाय 16-20% आफ्टर जीएसटी। अब सिर्फ इसके नेगेटिव्स नहीं होते हैं, पॉजिटिव्स भी हैं। अब पॉजिटिव हमने पीछे देखा कि कोयले की हमारी पावर जनरेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो कोल की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो ये जीएसटी ने आपके कोल को, जो डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन है, उसको 5% स्लैब में ला दिया, मतलब अब जो कोयला प्रोड्यूस होगा उस पर 5% टैक्स लगेगा। पहले कितना लगता था, 11-12%, तो जो कोल बेस्ड थर्मल एनर्जी है वो और ज़्यादा सस्ती हो जाएगी, ठीक है। इट इज़ पॉजिटिव फॉर द इलेक्ट्रिकल एंड लाइटिंग सेक्टर्स दैट विल इन्जॉय रिडक्शन इन इनडायरेक्ट टैक्सेज फ्रॉम 30-18%। पहले जो इलेक्ट्रिकल और लाइटिंग सेक्टर्स की जो इक्विपमेंट्स होती थी, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होती थी या लाइटिंग इक्विपमेंट्स होती थी, उस पर 30% टैक्स लगता था, अब सिर्फ 18% लगेगा, तो वो चीज़ सस्ती हो जाएगी। तीसरी चीज़, इंडिया ने कहा है कि भैया हम ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल रिजाइम ले आएंगे, 2030 तक हम ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल रिजाइम ले आएंगे, पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ चलानी बंद कर देंगे कमर्शियल सेक्टर में, ठीक है। तो अब इसकी अचीवमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये गाड़ियाँ सस्ते में मिलें। अगर ये गाड़ियाँ लाखों रुपए, 50-50 लाख रुपए की मिलेगी तो कौन खरीदने जाएगा? गरीब आदमी तब खरीदने जाएगा जब उसे पता चलेगा कि भैया ये गाड़ियाँ सस्ती हैं, तो उस पे जो जीएसटी अब लगाएंगे वो सिर्फ 12% लगेगा, ठीक है। बाकी अगर आप डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ देखें तो उन पे 28% लगेगा। तो जाहिर सी बात है जो आदमी गाड़ी लेने का प्लान करेगा वो कहेगा यार इस पे 12% पे करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे और इस पे 28% पे करना पड़ता है, तो चलो इलेक्ट्रिक ही ले लेते हैं, टैक्स भी बचेगा और फिर पेट्रोल का खर्चा भी कम आएगा, तो ये भी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। उसके बाद इंडिया होस्ट ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम टू एड्रेस लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, तो इसको सबको मैंने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। हमने 1 अक्टूबर में ये सारा डिस्कस कर लिया था कि क्या प्रोग्राम है, यूएनडीपी के अंडर है। तो नया क्या है अब इसमें, अब इंडिया ने अपना इस मीट के टाइम पे, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम के टाइम पे, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान निकाल दिया है। तो ये 2017 से लेके 2031 तक का आपका प्लान है, 1 अक्टूबर की वीडियो देख लेना, उसमें सारा बैकग्राउंड गिवन है। तो इस प्लान के क्या है, 5 कंपोनेंट्स हैं, वो क्या है, स्ट्रेंथनिंग एंड प्रमोटिंग द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स, ठीक है, एडाप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड प्रमोटिंग इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, प्रमोटिंग इको टूरिज्म, नेचर एजुकेशन, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, स्ट्रेंथनिंग वाइल्ड लाइफ रिसर्च, मॉनिटरिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड एनेबलिंग पॉलिसीज एंड रिसोर्सेज फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ठीक है। अब ये प्रोग्राम के टाइम पे एक ऐप भी निकाल दिया, इंडिया वाइल्ड लाइफ मोबाइल ऐप, ठीक है, और एक और डॉक्यूमेंट निकाला सिक्योर हिमालयाज का, जिसमें बात की गई कि जेनेटिक डाइवर्सिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे मेंटेन किया जाए, वो सब चीज़ें जो है इसमें डिस्कस कर ली गई थी। आज के लिए इतना ही था 2 अक्टूबर की करंट अफेयर्स में, थैंक यू। सब्सक्राइब कर लेना अपडेट्स के लिए और शेयर कर देना प्लीज़, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो और आपको लगता है कि ये दूसरों को भी हेल्प कर सकती है तो शेयर कर देना
ये उन सब लोगों के काम आ सकती है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कोचिंग शॉप्स हैं दिल्ली में या कहीं पे भी, वहाँ पे जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।